जय श्री कृष्णा स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो आपकी क्लास 8th के द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की वीडियो है। इसको मैं आपको, इसकी जो समरी है वो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें एक राइटर है जो वर्णन करता है, जो इस कहानी के बारे में बता रहा है। वो बताता है कि उसको एक रोल डेस्कटॉप मिलती है कबाड़ी की दुकान पर, और वो उसको ख़रीद के लिया था। वो थोड़ी पुरानी होती है, ये 19वीं सदी की बात है, वो बहुत पुरानी होती है। तो वो उसको क्रिसमस के दिन उसके ऊपर काम करना शुरू करता है कि मैं इसको रिपेयर कर कर और सही करता था। जब उसको रिपेयर कर रहा होता है तो वो ड्रॉस का एक जो ड्रॉ उस रॉल डेस्कटॉप का एक ड्रॉस होता है वो बंद होता है। उसको वो खोलता है तो उसमें एक बॉक्स मिलता है, और बॉक्स ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है जिसमें एक लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे को वो खोलता है और देखता है तो उसमें मिसेस मैकफर्सन के लिए एक लेटर होता है। तो वो उस जो वर्णन करता होता है उस लेटर को खोलता है और उसमें देखता है, तो उसमें जो बात लिखी होती है वो अजीबोगरीब बात लिखी होती है। उसमें वो बताते हैं पत्र में कि वो जर्मनी और ब्रिटिश सैनिकों के बीच के युद्ध का समय होता है, और क्रिसमस की सुबह दोनों जो सैनिक होते हैं वो अपनी सारी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे के साथ में दिन भर फुटबॉल खेलते हैं, एक दूसरे को शाबाशी देते हैं, तालियां बजाते हैं। पत्र के अंत में वो बताते हैं कि दोनों देश के जो सैनिक हैं वो कितनी अच्छे से, कितनी शांति से रहते हैं। फिर वर्णन करता पत्र को मोड़कर लिफाफे में रख देता, और दूसरे दिन वो जो पत्र का जो एड्रेस होता है बिटपोर्ट चला जाता है और लिफाफे पर अंकित पते को ढूंढने लगता है। जब वो उसको ढूंढता है तो वो 12 कॉपर चेस करके जो पता होता है वो उस पते तक पहुंच जाता है, और वहां पर देखता है तो वहां पे वो स्थान जला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जब उस समय वो जो लेडी थी जिसको वो लेटर लिखता है और जिसके पते पे वो लेटर पोस्ट करना चाहता था, वो लेडी जो होती है उसका जो पूरा घर जल जाता है। और जब पूरा घर जल जाता है तो उसकी जो, तो उसको ऐसा लगता है कि यार वो मोमबत्ती लगाती है, क्योंकि लाइट जलाएगी तो ज़्यादा बिल आएगा, इसलिए वो मोमबत्ती का ही प्रयोग करती थी। और मोमबत्ती की वजह से उसका पूरा घर जल चुका होता है, और उसको कैसे भी कर बचा लेते हैं अग्निशमक वाले और फायर ब्रिगेड वाले, और उसको फिर नर्सिंग होम में रख देते। फिर वो पता कर सभी लोगों से, और फिर वो नर्सिंग होम में जाता है, और वहाँ पर उसको बताती मैट्रेस की ये वो जो है वो एक जो शीशे वाले जो कमरा होता है उसमें उसको रखा जाता है। तो इस तरह से कहानी होती है। और फिर वो मिस पर्सन से मिलने के लिए जाता है, वो सोल से भी अधिक की है, और उसको वो वर्णनकर्ता जो होता है, वर्णनकर्ता मतलब जो कहानी बता रहा है, वो उसको कोनी कर कर पुकारता है, और वो उसको दिखना भी कम हो गया है, वो 100 वर्ष की है। तो उस समय वो उसको देख कर उसको क्रिसमस की बधाई देता है। तो उसको ऐसा लगता है, वो बहुत उत्तेजित होती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा पति ही आया है और उसने उसको क्रिसमस का उपहार दिया है। तो यही कहानी में हम कहानी के अंदर यही पढ़ेंगे। तो आपको कहानी पूरी क्लियर हुई होगी, या ये समरी थी, डिटेल और भी ज़्यादा होगी तो आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकें और इसकी समरी शॉर्ट में लिख सकें। इसके लिए आपको हिंदी में मैंने समरी बताई। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर, जो व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप। तो जंक शॉप से ऑथर को क्या मिलता है? द ऑथर फाउंड इन रोल टॉप डेस्क इन जंक शॉप। तो रोल टॉप डेस्क मिलती है उसको। देन सेकंड क्वेश्चन होता है, ही फाइंड ए सेपरेट ड्रॉ। उसके उसमें जो सेपरेट ड्रॉज होता है उसमें क्या रखा होता है? तो आपको मैंने बताया था कि स्मॉल बॉक्स होता है और उसके अंदर एक लेटर रखा होता है जो मिसेस मैकफर्सन के लिए होता है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन से आपका हु हैज़ रिटर्न द लेटर, लेटर किसने लिखा था और किसको लिखा था। तो आपको मैंने बताया कि लेटर किसने लिखा था और किसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई वाज द लेटर रिटर्न, लेटर क्यों लिखा गया था, तो और उसमें क्या वंडरफुल थिंग्स थी, तो लेटर क्यों लिखा गया था। देन तो आप देखेंगे लेटर लिखा गया था क्योंकि वो क्रिसमस जो क्रिसमस बनाते हैं वो हैप्पी, उसके बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से इंजॉय करते हैं वो सैनिक। नेक्स्ट जो सेकंड सैनिक जो होता है वो हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन, जब वो सेना में नहीं होते उसके पहले वो क्या होते हैं। तो ये स्टोरी में तो समरी में तो इतनी डिटेल्स आती नहीं है, तो वो क्या होते हैं, तो मिसेस में जो जिम मैकफर्सन होता है वो टीचर होता है, इसी तरह से बताया गया। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन से कि वो उस तरह से उससे मिलता है तो वो क्या सोचती है, और यही सब स्टोरी के अंदर है। तो आपको स्टोरी पूरी से क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद में आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर रेट करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।